हाय गाइस, मेरे चैनल में आज आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ये एक बहुत ही अमेजिंग डिलीशियस एंड इजी मशरूम की रेसिपी। ये है सॉटे क्रिस्पी मशरूम्स। इसमें सिर्फ एक बटर है जो अनहेल्दी थोड़ा सा यूज़ हुआ है, बाकी सारी चीज़ें बहुत हेल्दी है, तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं वंस इन अ वाइल फॉर श्योर। तो सबसे पहले हमें मशरूम्स चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 पैकेट्स ऑफ मशरूम लिए हैं और उन्हें थिनली स्लाइस कर लिया है। स्लाइसेस आप देख सकते हैं, बहुत थिन नहीं होने चाहिए कि वो टूट जाएँ और बहुत थिक नहीं होने चाहिए। हमें थिन स्लाइसेस इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इन्हें क्रिस्पी ब्राउन करना है, क्रंची करना है। सो ये है बिल्कुल एग्जैक्ट थिकनेस जो आपको मशरूम्स की कट करनी है। एक बटन मशरूम काइंड ऑफ 4 स्लाइसेस में कट हो जाएगा। उसके बाद आप एक नॉनस्टिक पैन लीजिए और उसमें ऑलिव ऑयल एंड बटर ऐड कर लीजिए। बटर इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया है, आप इसकी हाफ क्वांटिटी ऐड करिए, वो भी बहुत होगा। और हमने ऑलिव ऑयल इसमें इसलिए ऐड करा है ताकि जो बटर है वो जले ना, तो इसलिए हमने ऑलिव ऑयल और बटर को मिक्स कर लिया है और एकदम बटर अच्छे से मेल्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करी है। ये मार्केट की जिंजर गार्लिक पेस्ट है, आपके पास घर की हो तो आप वो यूज़ करिए। काइंड ऑफ 1-1.5 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद जो सारे मशरूम्स आपने कट करे हैं आप उन्हें ऐड कर दीजिए। ये टोटल 4 पैकेट मशरूम है और इसके लिए पैन थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था। आप एक फ्लैट बेस का ही पैन लीजिए, थोड़ा बड़ा हो तो वो लीजिए, क्योंकि हमें उसे क्रिस्पी करना है, हमें उसे सॉटे करना है, हमें उसे उबालना नहीं है। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। सो येस, एक बार ही उसको रख दीजिए आप थोड़ा हाई पे करके, और बीच बीच में आप उसे हिलाते रहिए ताकि वो जल ना जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मशरूम्स थोड़े सॉफ्ट होने लग जाएंगे और वो सारा का सारा वाटर रिलीज कर देंगे। हमने इसमें पहले सॉल्ट नहीं डाला है। अगर आप सॉल्ट डालेंगे तो मशरूम्स बिल्कुल ही गल जाएंगे एकदम, तो सॉल्ट बिगनिंग में मत डालिए, सॉल्ट बाद में डालिएगा। पहले जो मशरूम थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर है वो रिलीज कर लें, हम उन्हें क्रिस्प कर लें, फिर उसके बाद हम सॉल्ट डालेंगे। तो एक बार मशरूम्स अपना सारा वाटर रिलीज कर देते हैं तो गैस को हाई पे करके सारा वाटर इवेपोरेट कर दीजिए, और उसके बाद गैस को सिम कर जो मशरूम्स हैं उनको हमें सॉटे करना है। अब ये हमें कैसे करना है, हमें मशरूम्स को फ्लैट ले कर देना है, लाइक पैन में पूरा बिखेर के रख देना है ताकि जो मशरूम्स हैं वो बटर के कॉन्टैक्ट में आकर क्रिस्प हो जाए। इसीलिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बटर डाला था। इट इज़ लाइक थोड़ा सेमी फ्राई काइंड ऑफ सिस्टम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े ब्राउन होना शुरू हो गए हैं मशरूम्स। 5 मिनट के लिए आप सिम पे मशरूम्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर उसको स्टर कर दीजिए ताकि मशरूम्स जले भी ना और बाकी के मशरूम्स जो हैं वो क्रिस्पी हो जाए। तो ये प्रोसेस को ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स लग ही जाते हैं। वीडियो में छोटी दिख रही है लेकिन यही इसका सबसे बड़ा काम है, मशरूम्स को क्रिस्पी करना, तभी इनका जो टेस्ट है वो अमेजिंग आता है। तो आप देख सकते हैं कि मशरूम्स कितने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। आप देख सकते हैं ब्राउन कैरमलाइज मशरूम्स जिनको हम कहते हैं, ब्राउन हो गए हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब इनका फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। सो यस, इसी रीज़न की वजह से बटर थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ करा था। उसके बाद हम सारे मशरूम्स को अलग से निकाल लेंगे और उसी पैन में आपको और ऑयल या कुछ नहीं ऐड करना है, जो बटर ऑलरेडी उसमें था वो अपना थोड़ा लेफ्ट ओवर छोड़ देता है। उसी पैन में आपने दोबारा से जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है और उसको थोड़ा सा भुनना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉप किए हुए अनियंस डाल रहे हैं। 4 पैकेट ऑफ मशरूम्स के लिए ऑलमोस्ट 4 मीडियम साइज अनियंस को मैंने यूज़ करा है, तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए आपको कितना कैसे पसंद है। उसके बाद आप इसे अच्छे से सॉटे कर लीजिए। आपको इसको भी कैरमलाइज करना है, मतलब एकदम अच्छे ब्राउन हो जाते हैं तब तक पकाना है, बिल्कुल ब्लैक और गलाना नहीं है। तो इसीलिए दोबारा ये फ्लैट बेस ऑफ पैन जो है हमारे काम आता है, तो प्रेफरेबली ऐसा ही पैन यूज़ करिए। उसके बाद मैं इसमें ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर डाल लूँगी, छोटा नहीं बड़ा स्पून ऑफ विनेगर, बिकॉज 4 पैकेट्स ऑफ मशरूम है। सिमिलरली 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, की लाइट सोया सॉस है, अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो ऑलमोस्ट 1/4 या हाफ स्पून ही डलेगा। उसके बाद ये है रेड चिली सॉस, चिंग्स की रेड चिली सॉस है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, थोड़ी मीठी भी होती है। और ये है ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा तीखापन ऐड करने के लिए, तो काइंड ऑफ 1/2 स्पून मैंने दोनों का ऐड कर लिया है। आगे जाकर आप मशरूम्स को टेस्ट कर देख लीजिए, अगर आपको इनमें से कुछ और ऐड करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ 1 स्पून के अराउंड आप सब कुछ ऐड कर लीजिए।
इसके बाद जो हमने मशरूम साइड में निकाले थे, जो कैरेमलाइज्ड मशरूम्स थे हमारे क्रिस्पी मशरूम, वो हमने ऐड कर दिए हैं दोबारा इसी पैन में। और इसके बाद हम इसमें सारी सीजनिंग डालेंगे। अब क्योंकि हम इनको एक बार ही क्रिस्पी कर चुके हैं, तो जो मशरूम्स हैं वो कोई भी वाटर नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए अब हमने इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर तीन चीज़ें ऐड कर दी हैं। अगर आप चाहें तो ओरिगैनो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, बट उसकी कोई नेसेसिटी नहीं होती, एज़ पर योर विश है। और ये हो गया हमारा क्रिस्पी सॉटे मशरूम्स रेडी। अब आप इसे टेस्ट कर लीजिए और जो भी सीजनिंग या सॉसेस आप ऐड करना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बड्स। अब इसमें हम एक लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप मत करिएगा, वो है कोरिएंडर। कोरिएंडर का इस डिश में फ्लेवर अमेजिंग आता है, अमेजिंग। सो मैंने एंड में इसको कोरिएंडर से गार्निश कर दिया है। अब आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं या फिर आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप इसको एक टोस्ट पर लगा कर भी खा सकते हैं। सिंपल है, एक ब्रेड टोस्ट लीजिए, उस पर बटर लगाइए और उसके बाद उसके ऊपर मशरूम्स डाल लीजिए, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, टोमेटो केचप एज पर योर टेस्ट, एंड येस द टोस्ट इज ऑल्सो रेडी। सो येस, आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर रेसिपी मेरे चैनल पर देखनी है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।